हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? कैन यू सी समथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन? आपको दिख रहा है ये कुछ है स्माइली जैसा है स्क्रीन पे? डज इट रियली लुक्स लाइक अ स्माइली? क्या ये सच में स्माइली की जैसे दिख रहा है? बट वॉट हैपन्स इफ आई रिमूव दीज आईज एंड हिज लिप्स? अगर मैं इसके आईज और इसकी लिप्स हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ओके, लेट्स डू इट. इसकी आईज और लिप्स हटा के देखते हैं ये हमें क्या दिखेगा. Now can you tell me what is this? Correct. It simply looks like a zero. All of you have studied number. आपने सबने number पढ़ा है. Count forward counting, backward counting पढ़ी है आपने. Then आपने इसमें addition और subtraction भी पढ़ा था number line पे. But you have you seen that before one, आपकी one की starting से पहले we have one more number there. वहाँ पर एक odd number होता है. करेक्ट, दैट नंबर इज योर जीरो. वो आपका नंबर क्या होता है? जीरो. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट जीरो. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, मुझे एक और चीज़ आपको बतानी थी. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. चैप्टर नंबर वन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. हमने जो चैप्टर नंबर टू स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर टू नहीं है, वो चैप्टर नंबर वन का ही पार्ट है. ओके, चैप्टर नंबर वन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है. उसमें जितने भी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब चैप्टर नंबर वन में ही हैं. सो दिस इज़ माई मिस्टेक. एक्चुअली वहाँ पे चैप्टर नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, तो वो मेरी मिस्टेक है कि मैंने आपको चैप्टर नंबर टू बता दिया, बट वो चैप्टर नंबर वन ही है. ओके, सो नाउ इन चैप्टर नंबर वन वी विल स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट इज योर जीरो. सो लेट सी अब ये जीरो होता क्या है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज जीरो. नाउ ऑल ऑफ यू नो जीरो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नंबर सिस्टम. जीरो भी आपके नंबर सिस्टम का ही पार्ट है. सो लेट स्टार्ट वट एंड नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर जीरो. ये जीरो नंबर का मीनिंग होता क्या है वो समझते हैं. नाउ हियर यू कैन सी अ लॉग इज देयर. यहाँ पर एक वुडन लॉग है. लॉग मीन्स जो लकड़ी, जो बांस होती है ना, जैसे आप ट्री को कट करते हो तो उसका जो एक पूरा डंडी निकलती है उसको लॉग बोलते हैं. सो अ लॉग इज देयर ऑन द पॉन्ड. यहाँ पे एक देख रहे हो पूल है, पूल या पॉन्ड आप बोल दो, उसमें पानी में एक लॉग पड़ा हुआ है. एंड ऑन दैट लॉग थ्री फ्रॉग्स वर सेट. वहाँ पे तीन मेंढक बैठे हुए हैं. थ्री फ्रॉग्स सैट ऑन अ लॉग. देखो तीन मेंढक यहाँ पे बैठे हुए हैं. वन जम्प्स इनटू अ पूल. एक मेंढक क्या करता है, पूल में जंप कर देता है. टू फ्रॉग्स लेफ्ट ऑन द लॉग. नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट ऑन द लॉग. अब लॉग पे कितने फ्रॉग्स बचे हुए हैं? करेक्ट, वन एंड टू. टू फ्रॉग्स ऑन द लॉग. अभी तो लॉग पे कितने बैठे हुए थे? टू. वन जम्प्स इन टू द पूल. अब जो टू थे उसमें से भी एक कहाँ गया? पूल में जंप कर दिया एक ने और ने. एक और ने. देन वन फ्रॉग लेफ्ट ऑन द लॉग. नाउ हाउ मेनी इज लेफ्ट, हाउ मच इज लेफ्ट ऑन द वॉल? करेक्ट, ओनली वन फ्रॉग इज लेफ्ट ऑन द लॉग. नाउ वन फ्रॉग ऑन द लॉग. अब लॉग पे कितना था? एक ही फ्रॉग था. इट जम्प्स इन टू द पूल. वो भी पूल में जंप कर देता है. नाउ हाउ मेनी फ्रॉग्स आर देयर ऑन द लॉग. अब कितने बचे हैं लॉग पे? जीरो फ्रॉग्स लेफ्ट ऑन द लॉग. जीरो मीन्स नो फ्रॉग इज देयर. कोई भी फ्रॉग वहाँ पर नहीं है. तो जीरो स्टैंड्स फॉर नन. जीरो काउंट्स नथिंग. जीरो किसके लिए होता है? नन के लिए. मतलब कुछ भी नहीं है उसके लिए हम जीरो यूज करते हैं. जीरो का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं. नाउ लेट सी हियर ऑल्सो. अब एडिंग हम कैसे करेंगे? अगर हम जीरो के साथ में एडिंग कर रहे हैं देन हाउ वी कैन डू इट? सपोज यू हैव थ्री बिस्किट्स ऑन अ प्लेट. आपके एक प्लेट में कितनी बिस्किट्स हैं? थ्री बिस्किट्स. करेक्ट. प्लस सेकेंड वाला जो प्लेट है उसमें कितनी है? उसमें कुछ भी नहीं है. सो वी विल राइट जीरो बिस्किट्स. थ्री बिस्किट्स एक प्लेट में थी और एक प्लेट में कितनी है? जीरो बिस्किट्स. इफ वी विल ऐड इट, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? बिस्किट्स ज़्यादा हो जाएंगी? नो, बिस्किट्स विल रिमेन सेम, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है. तो अगर आप जीरो को किसी नंबर से ऐड करते हो तो वही नंबर होगा. ओके, जैसे हमने थ्री में प्लस जीरो किया तो आंसर विल बी थ्री. थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. जीरो मीन्स नथिंग. क्लियर? लेट सी द नेक्स्ट वन. अब फर्स्ट प्लेट में जीरो बिस्किट है और नेक्स्ट प्लेट में फाइव बिस्किट्स है. अब अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? बिस्किट इंक्रीज तो नहीं होगी. इट विल रिमेन द सेम, वैसे ही रहेगी, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग. जीरो काउंट्स नथिंग. सो फाइव बिस्किट विल रिमेन द सेम. सो जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू
5, आप किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हो, 0 से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो सेम नंबर ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नाउ अंडरस्टूड? सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. सी हियर, अ कैलकुलेशन इज गिवन फॉर यू. फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेशन के फॉर्म में, नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू सेम नंबर. आप कोई भी नंबर को 0 से ऐड करोगे तो वो सेम नंबर ही आएगा. सपोज आप 1 को 0 से ऐड कर रहे हो, देन ऑल्सो 1 ही आएगा. यहाँ पे 2, 3, 4 कितने भी नंबर को आप 0 से ऐड करोगे वो सेम नंबर यहाँ पर आएगा. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट वन इज फिल इन. नाउ यू हैव टू फिल इन, ये आपको फिल करना है. सो 1 + 0 इज डन फॉर यू, आपके लिए फर्स्ट वाला किया हुआ है एज अ एग्जाम्पल. 1 + 0 इज इक्वल टू 1. देन 0 + 2, अगर आप 2 में 0 प्लस करते हो तो कितना आएगा? अभी हमने बताया था कि हम 0 में कुछ भी प्लस करेंगे तो वो सेम नंबर ही आएगा. तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2. देन 3 + 0, 3 में अगर आप 0 प्लस करते हो देन अगेन 3. 4 + 0, 4. 0 + 4, अब 0 तो पहले हो गया और 4 बाद में, तो चेंज हो जाएगा? नो, नंबर विल रिमेन द सेम. तो 0 + 4 इज इक्वल टू 4. देन 5 + 0, अगर हम 0 में 5 ऐड करते हैं, दिस विल ऑल्सो रिमेन द सेम. 5 + 0 इज इक्वल टू 0. 6 + 0, अगर आप 0 में 6 प्लस करते हो, अगेन द सेम नंबर. 7 + 0, सेम. 0 + 8, अगर आप 0 में 8 प्लस कर रहे हो देन ऑल्सो इट विल कम सेम नंबर. 0 + 8 इज इक्वल टू 8. 9 + 0, 9. 0 में अगर आप 10 प्लस करोगे देन ऑल्सो 10. 16 + 0, अगेन द सेम नंबर. दैट मीन्स 0 कैन नॉट चेंज द नंबर्स. 0 नंबर्स को चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि 0 की तो खुद ही कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो नथिंग के लिए स्टैंड करता है. ओके, 0 मतलब नथिंग. सो नो चेंज विल बी देयर इन द नंबर. अगर आप 0 को किसी भी नंबर से ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू.